हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग आ गए बंसीलाल पेट। ये कहाँ पे बोलते हो, अपने सिकंदराबाद पे है गाइस। तो यहाँ पे स्टेपवेल के पास है हम लोग। अभी उसके अंदर ही है, मतलब एंट्री हो चुकी है हम लोग की, तो उसके अंदर ही। इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं, ये मैं बहुत जगह सुना, मतलब अपने हैदराबाद में बहुत लोग बोल रहे कि यहाँ पे मतलब अच्छा है, पुराने ज़माने का बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है बोल के बोल रहे। इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं अपन देखेंगे, देख के आपको मैं इस व्लॉग में बताता हूँ कि ना। लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे बंसीलाल पेट पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कौन फाउंडेड करे, कौन बनाए, और जो हिस्टोरिकल वाटर प्लेस है उसके बारे में बताए। एक साथ कहते 50 लोग आ जा सकते हैं खाली एक टाइम पे, कहते 50 रुपये टिकट है। इसकी टाइमिंग देख लो, ट्यूसडे के दिन, वेनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन, मंडे क्लोज रहता कहते। तो गाइस, जैसे अपन अंदर आते कि यहाँ पे अपने को पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये कब बना क्या नहीं बोल के। उसके बाद यहाँ पे पूरे देख लो आप लोग, द वेस्ट टेरेस ऑफ द सीन फ्रॉम द 4th लेवल स्टेप वेल का था। पहले कैसा था उसके बाद कैसा बना ये भी बताया। यहाँ पे अपने को ईस्ट तरफ से दिखा है, तो ये एंट्रेंस है ईस्ट तरफ की। उसके बाद अपन आगे चले गए तो आपने को ये जैसा कोलैप्स हो गया था साउथ मंडपम एंड व्यू ऑफ रिबिल्ड साउथ मंडपम का था। ये भी अपने को पूरा ये क्या मुझे एरिया की जो अंदर घुसते अपन, तो आपका ये मेन एंट्रेंस बोलते हैं इसको, मेन एंट्रेंस कने ऐसा था ईस्ट मंडपम जो है ईस्ट तरफ से देखे तो ऐसा है। ये देखो गाइस, ये इसमें भी देखो ये स्टेपवेल मंडपम है। पहले देखो गाइस ऐसा था, इसके बाद क्या मसो इल्लंगा पूरे साफ करके इल्लों को पूरे जनों को साफ करे तक 90 डेज लगे गए थे गाइस, पूरा साफ करके। उसके बाद पूरा साफ करे बाद अपने को अलग व्यू दिखता है इसमें। और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बहुत से फोटो लगा के रखे हैं रूमों में अपने को अच्छे से दिखाने के वास्ते। अगर अच्छे से दिखाए तो अपने को व्यू, मतलब ये आजकल की जनरेशन को सब मालूम होना बल्कि पूरा इसमें अच्छा इनॉग्रेट करके इसके पूरा समझा के, इसके बारे में एक लेडी भी रहते हैं वहाँ पे, अपने को पूरा समझाते इसके बारे में कि ये कैसा था पहले। उन्होंने वो आपसे नहीं कहते, बहुत पहले से उन्होंने पूरा समझाते अपने को कहे बाद ये मंडपम क्या है, ये क्या है, यहाँ पर कौन कौन निज़ाम लोग आते थे, उन्होंने क्या करते थे, मतलब वो सब पूरे हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बताए समझे। और गाइस ये भी देखो, इसमें भी देखो अपने को पूरे इक्वेट इसमें लिखे हुए, मतलब कि पूरा समझ में आना, ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंज इन द पब्लिक इन द वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड इंकरेजिंग द वाटर सस्टेनेबिलिटी। ये देखो गाइस, इसमें भी देखो कितना अच्छा है बता रहा है अपने। इसके व्यूज़ मतलब देखे तो अपने को मालूम ही नहीं होता कि अपन ये था पहले बोल के। देखो गाइस, जैसा ऊपर आते कि लेफ्ट साइड में अपने को यहाँ पे फोटो भी मिल जाते हैं पूरे मैप के सर का, मतलब कैसा डिज़ाइन था क्या नहीं। इसमें क्या मसो ये नीचे जो है ना, इसमें क्या मसो अपने को जो भी कचरा ट्रैश था उसके अंदर मिले से चीज़ें हैं ये। इसके अंदर पूरे चाखुआ वगैरह, खटोरे, सीपियाँ, बड़े बड़े चाखुआ, सत्तुरा और बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग। और यहाँ पे अपने को फर्स्ट फ्लोर पे आ गए तो देखो गाइस यहाँ पे भी अपने को पूरे फोटो आए, यहाँ पे कई के फोटो आए बोलते हो। ये जैसा इन लोग साफ करने लगे, मतलब पूरा जो भी कचरा था, ट्रैश था, पूरा हटाने लगे, उसके पूरे फोटो आए यहाँ पे। जो GHMC तेलंगाना की GHMC है नहीं, वो पूरे जो साफ़ करने लगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। उन लोगों की भी फ़ोटो लगाए सो है क्योंकि इन लोग पूरा साफ करे बल्कि। प्राउडली थैंकफुल टू द ऑफिसर स्टाफ एंड वर्कर्स फॉर द डेडिकेशन इन द हेरिटेज वेल्स रीस्टोरिंग प्रोजेक्ट। जो है यहाँ पे देखो गाइस, जैसे कि आप लोग ना पूरा कितने डेज लगे, 90 डेज गाइस, मामूली बात नहीं है 90 डेज, बस 3 महीने गाइस, 3 महीने पूरा साफ करने में लगे इन लोगों को खाली। ये मैप है, अपने को मैप में पूरा बताता कैसा कैसा क्या है क्या नहीं। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़े बहुत फोटो आए, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। इसमें कोट्स बहुत अच्छे दिखे गाइस मेरे को, मतलब जो बोलने का तरीका रहता वो, मतलब पहले ऐसा था देखो, ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे एक 1 फ्लोर के घर आते थे। The plan of the model village is envisioned by say THKs and funded with Seth Bensil 1933 में जो मैप था ऐसा बनाए थे इसमें। यहाँ से बहुत निज़ाम लोग आके बैठते थे कहते। इसका बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको, देखो गाइस ये देखो, ये बाहर का व्यू कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पे से देखे तो। अपन इसका ऊपर का व्यू दिखा दूँ, चलो ये देखो, ये है देखो असली, ये व्यू मेरे को बहुत ज़बरदस्त दिखा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस। So, goodbye.